हेलो हाय लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल। आई रियली होप सो आप सब एकदम फिट, फाइन एंड हेल्दी होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले क्लास 9 चैप्टर नंबर 5 ऑफ हिस्ट्री। 4 को ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है। अगर अभी तक आपने 4th चैप्टर नहीं देखा है, द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन आर्ट, तो आप एक बार जा करके पहले वो पढ़ लो, ठीक है? फिर हम ये चैप्टर आप पढ़ लेना, ओके? चलो, तो आज हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। काफी आसान सा चैप्टर है एंड डेली लाइफ में जो यूज होने वाले हमारे गैजेट्स हैं उससे रिलेटेड ही ये चैप्टर है। लाइक चैप्टर नंबर 5, मास मीडिया एंड हिस्ट्री। ये जो मास मीडिया है, आज हम इंटरनेट यूज करते हैं, टेलीविजन देखते हैं, ये जो सारी चीजें हैं, ये स्टार्ट कब से हुई और इसकी हिस्ट्री क्या थी, स्टार्ट होने का रीजन या फिर स्टार्ट कब हुआ, कैसे हुआ, वो सारी चीजें आज हम देखने वाले हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चे, आप लोगों का नोट्स इस चैप्टर का आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, शुभम झा क्लास 10। आप सर्च कर सकते हो टेलीग्राम पे, ठीक है? या फिर आपको लिंक दिया रहेगा डिस्क्रिप्शन में, यू कैन गो एंड विजिट देयर। नोट्स आपके सारे इसी चैनल पे आपको मिल जाएंगे, ओके? चलो, अब हम लोग जरा आगे देखते हैं। देखो, मैंने आप लोग को बोला था चैप्टर नंबर 4, यहाँ पे काफी चैप्टर्स हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है और हर चैप्टर का ऑलमोस्ट हमारा वन शॉट वीडियो है, आप देख लो। जैसे चैप्टर नंबर 1 हिस्टोग्राफी डेवलपमेंट इन वेस्ट हमने वन शॉट में कवर किया है। चैप्टर नंबर 2 को हमने 2 पार्ट में कवर किया है, लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर 2 में, दैट इज द हिस्टोग्राफी इंडियन ट्रेडिशन। देन इज चैप्टर नंबर 3 वन शॉट में, अप्लाइड हिस्ट्री। देन इज पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1 वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑल्सो चैप्टर नंबर 2 भी हमारा हो चुका है, द इलेक्टोरल प्रोसेस, वो भी आप जाकर के देख सकते हो। ज्योग्राफी भी हमने, लोकेशन एंड द एक्सटेंट, दूसरा चैप्टर जो हमारा है सेकंड चैप्टर, वो हमने देख लिया है। फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज वन शॉट में देख लिया है। क्लाइमेट हमने वन शॉट में देख लिया है। तो अगर मैं यहाँ पे कहना चाहूँ कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, मतलब पार्ट 1 के लिए, जो हमारा टर्म 1 एग्जाम है, उसके लिए अगर आज हम हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 कर लेते हैं, ठीक है, हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 और पॉलिटिकल का अगर हम चैप्टर नंबर 3 कर लेंगे, तो आई थिंक ऑलमोस्ट हमारा, मतलब टर्म 1 क्लियर हो जाएगा, ठीक है? टर्म 1 हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। कमेंट में मुझे जरूर बताना क्या आपको ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 है या फिर नहीं है, नेचुरल वेजिटेशन, तो एक बार आप मुझे वो कमेंट में जरूर बता देना, ओके? चलो, अब हम लोग जरा सा आगे बढ़ते हैं, चैप्टर को जरा सा स्टार्ट करते हैं। मास और मीडिया, मास मतलब क्या होता है और मीडिया मतलब क्या होता है, इसके बारे में से जरा हम देखने वाले हैं। बट उससे पहले हम ये देखते हैं कि इस चैप्टर में आपको कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है आपका, इंट्रोडक्शन टू दी मास मीडिया। सेकंड टॉपिक इज हिस्ट्री ऑफ मास मीडिया, मास मीडिया की हिस्ट्री क्या थी। देन इज व्हाई डू वी नीड मास मीडिया, हमें मास मीडिया की आवश्यकता क्यों पड़ी, मतलब क्यों जरूरी है मास मीडिया, ठीक है? देन इज द क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन रिसीव थ्रू द मास मीडिया। मास मीडिया से जो भी हम मैसेज रिसीव करते हैं, इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं, उसका एक क्या पर्पस है, ठीक है? मतलब आप कह सकते हो कि मास मीडिया से इंफॉर्मेशन कैसे रिसीव होता है, अगर रिसीव होता है उसका पर्पस क्या है। चलो, नेक्स्ट हम देखते हैं मास मीडिया एंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज। मास मीडिया के फील्ड में क्या क्या प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज है, आप अगर देखने जाओगे तो, अगर हम चैप्टर नंबर 3 ऑनवर्ड्स हम देखें, चैप्टर नंबर 3 और 4, अगर 4 आपने देखा है, द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन ट्रेडिशन, तो उसमें आपने देखा होगा अप्लाइड आर्ट्स जहाँ पे आया है वहाँ पे उसके प्रोफेशनल के बारे में बात की गई है कि अप्लाइड आर्ट्स में क्या क्या प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज है। तो वैसे ही हम मास मीडिया में भी प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज के बारे में देखने वाले हैं, ओके? चलो, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। ओके, लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक, इंट्रोडक्शन टू द मास मीडिया। मास मीडिया यहाँ पे आप देख रहे होगे 2 वर्ड से बना है, दैट इज मास एंड मीडिया। पहले हम देखते हैं मास मतलब क्या होता है, व्हाट इज मास। सो मास मींस एग्रीगेशन ऑफ पीपल, जब नंबर ऑफ पीपल जब आते हैं ना ग्रुप में, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मास कहते हैं, ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल। एंड मीडिया, मीडिया मतलब क्या हो गया, एक ऐसा मोड ऑफ सोर्स या फिर एक ऐसा सोर्स जो आपके ये मास, मतलब ये जो नंबर ऑफ पीपल है, इनके तक कुछ न्यूज पहुंचा रहा है या फिर इनके तक एक कम्युनिकेशन बिल्ड कर रहा है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मीडिया कहते हैं। द वेरियस मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, द वेरियस
मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मीडिया कहते हैं। तो दो वर्ड आपके हो गए मास एंड मीडिया। चलो अब हम लोग जरा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। वी कैन इजिली नीड सम इंफॉर्मेशन फॉर फार डेस्टिनेशन थ्रू ए मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब कि हमें जब कोई दूर में, लाइक ए पर्सन यहाँ पे, बी पर्सन यहाँ पे, मान लो ए पर्सन महाराष्ट्र में, बी पर्सन गुजरात में, अब ए पर्सन को बी पर्सन तक कुछ न्यूज या इंफॉर्मेशन शेयर करना है, तो वो कैसे करेगा? यहाँ पे बात करेगा, गुजरात में सुनाई देगा? नहीं, तो वो कुछ तो मोड ऑफ कम्युनिकेशन होंगी ना, लाइक मीडियम कुछ तो होगी। तो वो जो मीडियम है ना, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, मास मीडिया, मतलब मीडिया कहते हैं। ठीक है, जिधर से आपका इंफॉर्मेशन शेयर हो रहा है, एक कम्युनिकेशन दोनों के बीच में हो रहा है या फिर मास ऑफ पीपल के बीच में हो रहा है। चलो नेक्स्ट, हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन के बाद, वो है हमारी द हिस्ट्री ऑफ मास मीडिया। मास मीडिया की हिस्ट्री क्या है? द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी एंड द न्यूज़पेपर वर इंट्रोड्यूस इन इंडिया आफ्टर द अराइवल ऑफ ब्रिटिश। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी मतलब ये जो आप न्यूज़पेपर देख रहे हो ना, ये भी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है। तो ये जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी और जो न्यूज़पेपर जो प्रिंट होती है और ये जो न्यूज़पेपर बनती है, ये कब आया था इंडिया में? जब हाँ, जब ब्रिटिश आए थे इंडिया में, ब्रिटिश ही लाए हैं हमारे प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को, एंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में हमारे न्यूज़पेपर सबसे पहले आए। तो न्यूज़पेपर सबसे पहला हमारा मास मीडिया बना है अमंग द पीपल, एंड जहां पे नॉलेजेस एक दूसरे के साथ शेयर हो रहे थे। चलो नेक्स्ट इज न्यूज़पेपर, सबसे पहले हम पढ़ने वाले, क्योंकि ये सबसे पहला हमारा मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, जिसके लिए हम पढ़ते हैं सबसे पहले न्यूज़पेपर के बारे में। न्यूज़पेपर इज एन पब्लिकेशन मेनली विच मेनली प्रिंट्स न्यूज, एडिटोरियल, पीपल्स ओपिनियन, एंटरटेनमेंट एंड अदर सप्लीमेंट्री कंटेंट। हम लोग को अच्छे से ये तो पता है कि न्यूज़पेपर में क्या क्या होता है। तो न्यूज़पेपर क्या क्या पब्लिश करती है बच्चे लोग? न्यूज, एडिटोरियल, पीपल्स ओपिनियन, एंटरटेनमेंट एंड ऑल्सो सप्लीमेंट्री कॉन्टेंट्स भी शेयर करती है। तो ये सारी चीज़ें न्यूज़ में होते हैं। न्यूज़ में सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स ही नहीं होता है, ये सारी चीज़ें भी होती हैं। लोग अपने ओपिनियन शेयर करते हैं एंटरटेनमेंट का, लाइक स्पोर्ट्स, वो भी हमारा न्यूज़पेपर में रहता है, या फिर लाइक बिजनेस एथिकल कोई भी अगर चीज़ें हो रही है तो वो भी रहती है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड भी रहती है, ऑल्सो लोकल न्यूज़ भी रहती है, नेशनल न्यूज़ भी रहती है, एंड इंटरनेशनल न्यूज़ भी होती है। एक न्यूज़पेपर में आप देखोगे ये इंटरनेशनल का भी सेक्शन अलग होता है, नेशनल का भी अलग होता है, और लोकल भी दिया गया रहता है। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं न्यूज़पेपर के बाद, न्यूज़पेपर के बाद है हमारे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज प्री जुडिशियस ऑफ द न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर का ये सिम्टम कब से शुरू हुआ? हम कह सकते हैं न्यूज़पेपर अगर इंडिया में ब्रिटिश ने लाया, तो ब्रिटिश के पास ये आइडिया कब से आया? एक्चुअल में कस्टम इन इजिप्ट ऑफ द प्लेस इंस्क्रिप्शन विद द रॉयल डिक्रीजेस। मतलब यहाँ पे एक जगह है इजिप्ट में, ठीक है, वहां से ये शुरू हुआ है आपका न्यूज़पेपर में लिखना, मतलब इंफॉर्मेशन शेयर करके लोगों तक पहुंचाना। ऑल्सो अशोका ऑल्सो रिसोर्टेड टू सिमिलर मेथड टू रीच आउट दिट सब्जेक्ट। इंडिया में अशोका ने भी ये मेथड को रीच किया, अब हर एक सब्जेक्ट को लेकर के लेके आए एंड लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की गई थी। ड्यूरिंग द जुडिशियस केशियन रीजन न्यूज़पेपर नोन एज द एक्टा दूर्ना मीन्स एक्ट्स ऑफ एवरी डे यूज इन द प्लेस एट द पब्लिक प्लेस इन द रोम। एक्चुअल में रोम में एक रोम में क्या होता था, एक एक्ट आई थी जिसका नाम था एक्टा दूर्ना, इसका नाम रखा गया था। जुलिशियस केशियस के टाइम में एक इवेंट हुआ करता था, लाइक वो क्या करते थे, उनको कोई भी अगर न्यूज एक पहुंचाना रहता था पब्लिक प्लेस पे, तो वो पहले ये देखे कि पब्लिक प्लेस कौन सा है जहाँ पे ज्यादा टूरिस्ट आते हैं या फिर ज्यादा लोग वहां पे मीट करते हैं। तो रोम में एक जगह पाया गया था, ठीक है, वहां पे वो न्यूज़पेपर आकर के मतलब डेली दिया जाता था लोगों को कि आपके जो भी किंग्स है वहां पे या फिर जो भी रूल कर रहा है, रूलिंग पार्टी है, वो अपने न्यूज़पेपर में ही पूरा आपके क्या करते थे, रूल्स एंड रेगुलेशन को बता दिया जाता था, या फिर एवरीडे का जो जो भी न्यूज़ रहता था
वो रोम में पब्लिक प्लेसेस में आकर के दे दिया जाता था न्यूज़पेपर के थ्रू। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। इंग्लैंड हैंड आउट यूज टू डिस्ट्रीब्यूटेड ओकेशनली गिविंग इंफॉर्मेशन वर्ड्स और द इम्पोर्टेंट इवेंट्स। इंग्लैंड में डे बाय डे एवरीडे न्यूज़पेपर नहीं दिया जाता था एज कंपेयर टू रोम। रोम में जैसे पब्लिक प्लेसेस में दिया जाता था एज कंपेयर टू रोम, इंग्लैंड में डेली नहीं दिया जाता था। बट यस, कुछ ऐसे मूमेंट्स होते थे जहाँ पे ओकेशनली कुछ तो इंफॉर्मेशन जो काफी इंपॉर्टेंट है उनको शेयर करने के लिए, इन्फॉर्म करने के लिए लोगों को, लाइक वॉर से रिलेटेड या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट इवेंट हो रहा है तो उससे रिलेटेड पब्लिक में अगर न्यूज पहुंचना चाहिए तो कैसे पहुंचना चाहिए, तो न्यूज़पेपर एक जरिया था। तो हमने फर्स्ट पॉइंट क्या देखा, दैट इज कि इजिप्ट में एक प्लेस था जहाँ पे इंस्क्रिप्शन के थ्रू ये रॉयल डेकर्स के बारे में बताया गया था न्यूज़पेपर्स में। रॉयल्स पीपल ये न्यूज़पेपर में रिलीज करते थे अपने न्यूज़ को एंड ऑल्सो अपने रूलिंग्स को। ठीक है, सेकेंड इसके अशोका ने भी इंडिया में कुछ ऐसा रिसॉर्ट करने का कोशिश किया था। ठीक है, किया गया था, सब्जेक्ट वाइज इन्होंने किया था। देन इज आपके जूलियस कैसर्स वाला आ गया, जो एक न्यूज़पेपर, एक एक्टा दुर्ना इसका नाम रखा गया था। याद रखना कि जूलियस कैसर रीजन न्यूज़पेपर नोन एज, इस न्यूज़पेपर को क्या कहा जाता है, एक्टा दुर्ना कहा जाता है। इंग्लैंड में भी ऐसे हुआ था, लाइक डिस्ट्रीब्यूट होता था ओकेशनली जहाँ पे इंफॉर्मेशन वॉर से रिलेटेड या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट इवेंट होती थी तो उससे रिलेटेड शेयर होते थे। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। एंड वन मोर थिंग, लाइक इंडिया में अशोका न्यूज़पेपर के थ्रू नहीं, बट हाँ उन्होंने क्या किया था कि स्टोन्स पिलर्स पे, ठीक है, स्टोन पिलर्स पे उन्होंने, रॉक पिलर्स पे, स्टोन पिलर्स पे ना जितने भी इंपॉर्टेंट रूल एंड रेगुलेशन है उसे लिख इंस्क्रिप्ट कर दिया गया था। चलो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज बंगाल गजट। बंगाल गजट क्या है? ये एक सबसे पहला हमारा इंग्लिश न्यूज़पेपर है जो आपके बंगाल में, उस टाइम में बंगाल का नाम था, लाइक आज हम कोलकाता कहते हैं तो उस टाइम में कलकत्ता नाम था। ठीक है, तो कलकत्ता में सबसे पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर आया गया था, बंगाल गजट इसका नाम था। लीगल एडवर्टाइजर जिसका मतलब, हम कह सकते हैं कि लीगल एडवर्टाइजर के थ्रू आया था, बंगाल गजट हम इसे कहते हैं, बंगाल गजट कहते हैं। तो ये कब आया था बच्चा पार्टी? 29 जनवरी 1780 में ये आया था। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इट वॉज स्टार्टेड बाय, किसने ये न्यूज़पेपर को, इंग्लिश न्यूज़पेपर को इंडिया में इंट्रोड्यूस करवाया, दैट इज जेम्स ऑगस्टस हैकी। जेम्स ऑगस्टस एक हैकी इसका नाम है। ही इंट्रोड्यूस द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर नोन एज द बंगाल गजट और वी नोन और ऑल्सो नोन एज द कैलकटा जर्नल एडवर्टाइजर इन दी 29 जनवरी 1780। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज दर्पण। ये सब जो हम देख रहे हैं ना ये सब हमारे न्यूज़पेपर का टाइप है। ठीक है, न्यूज़पेपर का ये टाइप है, दर्पण भी न्यूज़पेपर का टाइप है। ये दर्पण न्यूज़पेपर आपका सबसे पहले मुंबई में एस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, दर्पण वॉज स्टार्टेड इन दी 1832 इन दी मुंबई बाय दी बाल शास्त्री जम्बेदकर। बाल शास्त्री जम्बेदकर ने इसे इंट्रोड्यूस करवाया था दर्पण न्यूज़पेपर को। दर्पण न्यूज़पेपर कैन बी रिन्यूड टू नो अबाउट द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चर इवेंट। दर्पण न्यूज़पेपर में पॉलिटिक्स के बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में, सोशल के बारे में एंड द कल्चर्स के बारे में बताया जाता था, मतलब इसमें यही प्रिंट कराया जाता था। नेक्स्ट फ्यू न्यूज़पेपर टाइटल्स, कुछ न्यूज़पेपर टाइटल्स जो काफी इंपॉर्टेंट थे उस टाइम के लिए वो थे हमारे, द डेंजर ऑफ द रशियन अटैक ऑन द नेशन, ऑल्सो द अचीवमेंट ऑफ राजा राम मोहन रॉय इन इंग्लैंड। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्या था, न्यूज़पेपर टाइटल था जो हम दर्पण में आया था, दर्पण में आया था। तो ये आपके क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि लाइक बंगाल गजट आपका किसने इंट्रोड्यूस करवाया एंड कब करवाया, ये सारी चीजें आ सकती है। या फिर आपको बंगाल गजट पे शॉर्ट नोट भी लिखने दिया जा सकता है, दर्पण पे भी आपको दिया जा सकता है शॉर्ट नोट कि किसने इंट्रोड्यूस करवाया एंड कब आया ये, एंड इसमें इम्पोर्टेंट, ये न्यूज़ में इम्पोर्टेंट हाईलाइट्स क्या थे, कौन
कौन सी न्यूज सबसे टाइटल्स पे थी, वो सारी चीजें आपको पूछी जा सकती है। तो यहाँ पे प्रॉपरली आपको बता दिया गया है। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक दैट इज दी प्रभाकर नेक्स्ट न्यूज़पेपर। ये न्यूज़पेपर स्टार्ट किया गया था बाय दी बहुमहाजन, बहुमहाजन ने इसे स्टार्ट किया था प्रभाकर न्यूज़पेपर। द हिस्ट्री ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड दी सतपत्र दी लेटर्स बाय दी लोकित वाणी गोपाल हरि देशमुख एम्ड एट क्रिएटिंग सोशल अवेयरनेस वेयर पब्लिश इन दिस न्यूज पेपर। इस न्यूज पेपर में जैसे आपके दर्पण में पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स ये सब इम्पोर्टेंट हेडलाइन था, तो वैसे आपके ये वाले न्यूज पेपर में सोशली पीपल को अवेयर करना, ये सबसे ज्यादा मतलब इस न्यूज पेपर में लोगों को सोशली अवेयर करने के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट टाइटल लिखा जाता था या फिर पब्लिश करने के लिए कोशिश किया जाता था। द हिस्ट्री ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड ऑल एंड सतपत्रे द लेटर बाय दी लोकित वाड़ा द गोपाल हरि देशमुख, इन्होंने एम किया था कि इस पेपर में जर्नल अवेयरनेस के बारे में, एक सोशली जो अवेयरनेस होनी चाहिए पीपल अमंग दी पीपल पब्लिक के बीच में, वो इस न्यूज़पेपर में इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए, रिलीज करवाना चाहिए। ठीक है प्रभाकर, तो आपको पूछ लिया जाएगा, तो अब आप लिख सकते हो कि यस कब ये स्टार्ट हुआ था एंड इसकी एम्स क्या थी। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दैट इज धन्योदय। धन्योदय एक न्यूज़पेपर का टाइप है। धन्योदय प्रिंटेड द मैप ऑफ द एशियन इन द 1842 एंड द मैप ऑफ द यूरोप इन द 1851। धन्योदय में सबसे पहले एशिया के मैप के बारे में इंट्रोड्यूस करवाया गया था 1842 में, यूरोपियन मैप का भी इंट्रोड्यूस करवाया गया था 1851 में। सबसे पहले एशियन मैप का करवाया गया था 1842 में एंड आपके यूरोपियन मैप का इन द 1851। दिस न्यूज़पेपर स्टार्टेड रेलवे प्रिंटिंग, मतलब इंडिया में जो रेलवे उस टाइम में ब्रिटिश जो रेलवे ला रहे थे उसके बारे में बताने की जा रही थी कोशिश, न्यूज़पेपर में प्रिंट कर किया जा रहा था रेलवे के बारे में। ठीक है एंड ऑल्सो वी कैन से दैट रेलवे इन द इंडिया वॉज प्रिंटेड इन द धन्योदय अंडर द टाइटल ऑफ चक्या महाशुभा एंड, या फिर इसका इसकी जो मीनिंग है वो है महाशोभा विद दी व्हील्स, महाशोभा विद दी व्हील्स, ये इसका मतलब हो गया चक्या शोभा का मतलब। ठीक है तो हम ये कह सकते हैं कि धन्योदय में सबसे पहले मतलब धन्योदय में एशियन मैप एंड यूरोपियन मैप को इंट्रोड्यूस करने का कोशिश किया गया था एंड ऑल्सो आपकी इंडियन रेलवेज के बारे में बताया गया था। ऑल्सो इसमें जो प्रिंट हुआ था क्या कौन सी न्यूज़ वो थी हमारी द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, वो प्रिंट भी वो भी प्रिंट किया गया था। ऑल्सो हिंदू प्रभाग सपोर्टेड ए विडो मैरिज इन ए बिग वे, दैट इज हिंदू प्रकाश आपका सपोर्ट जो विडो मैरिज के लिए था वो भी एक न्यूज उसमें आया था। ठीक है दीन बंधु ए न्यूज पेपर रिप्रेजेंटिंग ए मास ऑफ द इंडियन सोसाइटी बहुमाजन बहुजन समाज वो स्टार्टेड बाय द महात्मा ज्योतिराव फुले क्लोज एसोसिएटेड दी कृष्ण राव वालेकर। दैट मीन्स की बंधु दीन बंधु जो आपका न्यूज पेपर में इंट्रोड्यूस हुआ था, आप कह सकते हो रिप्रेजेंट किया गया था इंडियन सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी जिसे हम बहुजन समाज के नाम से जाना जाता था, स्टार्ट किया गया था बाय दी महात्मा ज्योतिराव फुले एंड ऑल्सो एसोसिएट किसने किया था कृष्ण राव वालेकर ने किया था। तो ये आपका कुछ हो गया धन्योदय, ये एक इम्पॉर्टेंट है, ये आप थोड़ा अच्छे से पढ़ के जाना क्योंकि ये नोट्स आ सकता है। ठीक है शॉर्ट नोट लिखने के लिए, तो ये आपके प्रॉपर 4 से 5 पॉइंट्स है, लाइक मैप यूरोपियन मैप एंड एशियन मैप कब आया था प्रिंट किया गया था बाय द डेट ऑफ इन द धन्योदय एंड ऑल्सो महाशोभा विद द व्हील्स जो आपके इंडियन रेलवे है उसके बारे में प्रिंट किया गया था 1857 में, जो आपका द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था उसके बारे में प्रिंट किया गया था एंड ऑल्सो हिंदू प्रवास जिन्होंने आपके विडो मैरिज के सपोर्ट किया था, विडो विडो रीमैरिज के लिए, ठीक है एक वीडियो जो थी उसके री मैरिज के लिए सपोर्ट किया गया था वो भी एक बिग वे था इसमें धन्योदय में एंड ऑल्सो दीन बंधु न्यूज पेपर में आपके मास ऑफ पीपल जो एक बहुजन समाज थे
बहुजन समाज के लिए महात्मा ज्योतिराव फुले एंड द कृष्णा पालेकर ने भी जो भी सपोर्ट किया था एंड स्टार्ट किया था, एसोसिएट किया था, उसे भी बताया गया है। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज दी केशरी एंड दी मराठा। गोपाल गणेश आगरकर एंड दी बाल गंधर तिलक स्टार्टेड दिस न्यूज़पेपर। केशरी एंड मराठा एक न्यूज़पेपर था जिसने गोपाल गणेश आगरकर एंड दी बाल गंधर तिलक, ये दोनों ने मिल करके, ये दोनों दोस्त मिल करके 1881 में स्टार्ट किया गया था केशरी एंड दी मराठा न्यूज़पेपर। दिस केशरी बिगेन टू पब्लिश आर्टिकल्स अबाउट दी नेशनल वाइड सिचुएशन। केशरी में आपके नेशनल वाइड जो सिचुएशन हो रहे थे उसके बारे में प्रिंट किया जा रहा था। द बुक इन द नरेटिव लैंग्वेजेस एंड इन द पॉलिटिकल इंग्लैंड, मतलब नरेटिव लैंग्वेज लाइक मराठा, मराठी जो लैंग्वेज है वो फॉर द मराठास वो एक नरेटिव नेटिव लैंग्वेज था, ठीक है, मतलब लोकल लैंग्वेज था, वो भी एक उसमें भी प्रिंट करवाया जा रहा था। एंड इंग्लैंड में जो पॉलिटिक्स हो रही थी उसके बारे में भी आपके नेटिव लैंग्वेज में इसमें क्या किया जा रहा था, प्रिंट करवाया जा रहा था। तो केशरी, केशरी आपका आप कह सकते हो कि केशरी जो न्यूज़पेपर थी वो मेनली आपके नेटिव लैंग्वेज पर फोकस कर रही थी। जितने जितने भी सिचुएशन हो रहे थे नेशनल वाइड में या फिर पॉलिटिक्स हो रही थी इंग्लैंड में उसे रिप्रेजेंट कराया जा रहा था आपके न्यूज़पेपर में, इन मराठी न्यूज़पेपर दैट इज दी केसरी। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मैगजीन एंड जर्नल्स के बारे में। मैगजीन्स एंड जर्नल्स आर दी पीरियोडिकल्स पब्लिकेशन, ये आपका एक पीरियोडिकल्स पब्लिकेशन है। बाल शास्त्री जम्बेडकर स्टार्टेड दिस फर्स्ट मंथली मैगजीन, इन्होंने सबसे पहले मंथली मैगजीन को इंट्रोड्यूस करवाया इन दी मराठी एंड दिस जिसका नाम था आपका दिग्दर्शन, जिसका नाम क्या था, दिग्दर्शन। तो बाल शास्त्री जम्बेडकर ने सबसे पहले मंथली मैगजीन को इंट्रोड्यूस करवाया, दैट मैगजीन नेम वॉज दी दिग्दर्शन, मराठी में ये मैगजीन रिलीज हुआ था। अमंग द पीरियोडिकल्स प्रगति नाउ ए डिफिंक्ट जर्नल वो स्टार्टेड इन दी 1929, एक प्रगति पीरियोडिकल्स भी आई 1929 में, ठीक है, और इस एंड एडिटेड बाय, ये जर्नल्स को एडिटेड किया जाता था, आप कह सकते हो पीरियोडिकल्स को, ये जर्नल्स को एडिट किया जाता था बाय दी त्र्यंबक शंकर सेजवालकर, त्र्यंबक शंकर सेजवालकर। चलो मराठी जर्नल सच एज दी भारतीय इतिहास आणि संस्कृति एंड मराठावाड़ा इतिहास परिषद पत्रिका, ये आपका एक एग्जाम्पल है किसका, मराठी जर्नल्स का, मैगजीन्स का, पीरियोडिकल्स का। ओके चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अभी तक हमने देख लिया मैगजीन्स और जर्नल्स के बारे में। कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक और द डिजिटल जर्नलिज्म। देर आर द अल्ट्रा मोड पीरियोडिकल्स फॉर्म ऑफ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक ऑफ डिजिटल जर्नलिज्म, जिसका मतलब ये हुआ कि आज के डेट में जितनी भी चीजें हम यूज करते हैं लाइक फोन, मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप, टेलीविजन, ये सब आपका क्या है, डिजिटल जर्नलिज्म। मतलब यहाँ पे आकर के कोई बताता नहीं, मतलब जर्नलाइज इन द न्यूज़पेपर ही नहीं होता है, बट कि आपके आप घर पे बैठ करके न्यूज़पेपर सोशल मीडिया के थ्रू आप देख सकते हो। तो ये आपका एक इलेक्ट्रॉनिक या फिर हम कह ले डिजिटल जर्नलिज्म है। यहाँ पे कोई मैगजीन की नीड नहीं है, यहाँ पे कोई न्यूज़पेपर की नीड नहीं है, बस आपके सोशल मीडिया के थ्रू आपको न्यूज़पेपर पता चल रहा है, न्यूज़ के बारे में, वर्ल्ड वाइड न्यूज़ के बारे में आपको पता चल रहा है। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रेडियो के बारे में। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी IBC, ए प्राइवेट रेडियो कंपनी, वो स्टार्टेड वन ऑफ दी ब्रॉडकास्ट डेली प्रोग्राम। सबसे पहले जो रेडियो ब्रॉडकास्टिंग कंपनी थी वो कौन सी थी, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, जिन्होंने सबसे पहले प्राइवेट रेडियो कंपनी को ओपन किया गया था इंडिया में एंड यहाँ पे डेली प्रोग्राम्स को ब्रॉडकास्ट कराया जाता था। लेटर दी सेम कंपनी वॉज टेकन ओवर दी ब्रिटिश गवर्नमेंट, यही कंपनी को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने खरीद लिया, परचेस कर लिया एंड इसका नाम रख दिया इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, ISB।
ISBS. तो सबसे पहले इसका नाम क्या था? IBC. ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सबसे पहले इसका नाम क्या था, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग कंपनी का, वो था हमारा इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी. ब्रिटिश ने जब इसे परचेस कर लिया, या फिर ब्रिटिश ने सेम कंपनी को क्या कन्वर्ट कर दिया, किस नाम से? इंडियन ब्रॉडकास्टिंग, इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस. ये हुआ था आपका 18 जून 1986 में, और उसके बाद इस नाम को फिर से चेंज किया गया, ठीक है, जिसका नाम रखा गया ऑल इंडिया रेडियो. कब? 8 जून 1936 में ऑल इंडिया रेडियो, जो आज हम उस नाम से जानते हैं, वो आ गया था, ठीक है. तो इसे 3 बार चेंज किया गया है. आप देखोगे, पहला नाम जो रखा गया था वो है इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, सेकेंड इज द इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, एंड थर्ड इज द ऑल इंडिया रेडियो, आकाशवाणी, ठीक है. चलो, नेक्स्ट जो हम देखते हैं, दैट इज आकाशवाणी के बारे में. इट वॉज नेम्ड एज आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो ऑन द सजेशन ऑफ द पंडित जवाहरलाल नेहरू. पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऑल इंडियन रेडियो को सबसे पहला नाम दे दिया क्या? आकाशवाणी. आकाशवाणी सबसे पहले आपका ब्रॉडकास्ट था, जिसमें आपके इंटरटेनमेंट के बारे में, अवेयरनेस के बारे में, अवेयरनेस क्रिएटिंग के बारे में, लिटरेसी के बारे में, एंड ऑल्सो लेक्चरल जो होते थे प्रोग्राम्स यानी उसके बारे में, फार्मर्स के प्रोग्राम्स के बारे में, आपके वर्कर्स एंड यूथ एंड वुमेन के बारे में, ये सारे स्कीम जो भी वो लाते थे या फिर प्रोग्राम्स आता था उसके बारे में बताया जाता था आपके किस में? आकाशवाणी में. विविध भारती प्रोग्राम वॉज ब्रॉडकास्टेड इन दी 24 रीजनल लैंग्वेज. विविध भारती भी एक ऐसा चैनल था जिसको 25 रीजनल लैंग्वेजेस में ब्रॉडकास्ट किया गया था, ठीक है, एंड 146 डेलीगेट्स इंडियन लैंग्वेजेस में भी इसे ब्रॉडकास्ट किया गया था, विविध भारती हो. चलो, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टेलीविजन के बारे में. दिल्ली दूरदर्शन सेंटर वॉज इनॉग्रेटेड बाय दी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सबसे पहला जो हमारे टेलीविजन को, जो हमारा कह सकते हो आप टेलीविजन शो जो थे वो थे दिल्ली दूरदर्शन सेंटर को ओपन किया था, ठीक है, इनॉग्रेट किया गया था. ही वॉज दी इंडियन प्रेसिडेंट. ओके, तो दूरदर्शन मुंबई सेंटर बिगेन टू टेलीकास्ट प्रोग्राम ऑन दी 1 मई 1972. दूरदर्शन जो हमारे टेलीविजन चैनल थे वो सबसे पहले मुंबई में रह करके ब्रॉडकास्ट किए इस टेलीविजन चैनल पे 1 मई 1972 को. नेक्स्ट वन इज द कलर टेलीविजन वॉज इंट्रोड्यूस. कलर टेलीविजन इंडिया में कब आया? आजादी के बाद आया, ठीक है. आजादी तो हुई 1947 में, और 1982 में जाकर के कलर टेलीविजन इंडिया में आया. 1991 में इंडियन गवर्नमेंट ने ग्रांट किया परमिशन को कि ये नेशनल प्राइवेट जितने भी चैनल्स है वो नेशनल और इंटरनेशनल चैनल्स भी ओपन हो प्राइवेटली, ठीक है, और टेलीकास्ट करे, ब्रॉडकास्ट करे आपके क्या न्यूज़ को, नेशनल वाइड पे एंड इंटरनेशनल वाइड पे. चलो, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, पहला टॉपिक हमने इंट्रोडक्शन देखा, दूसरा टॉपिक हमने हिस्ट्री ऑफ मास मीडिया देखा, जिसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट मास मीडिया को हमने देखा और उसे समझा. अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, थर्ड वन, दैट इज व्हाई डू वी नीड मास मीडिया. क्या जरूरत है इसकी मैम, इसको क्यों क्यों क्यों, अगर ये क्यों मतलब मास मीडिया अगर नहीं रहता तो आज हम आपस में पढ़ते कैसे? आज जो हम सोशली पढ़ रहे हैं, लाइक अब मैं अपने घर पे हूँ एंड आप अपने घर पे बैठ के पढ़ रहे हो, ये सब फिर कैसे होता, ठीक है? आपको वर्ल्ड ओवर की न्यूज़ कैसे पता चलती? तो वी नीड मास मीडिया टू फैसिलिटेट फ्री फॉल ऑफ द इंफॉर्मेशन. मास मीडिया का आवश्यकता इसकी वजह से थी क्योंकि इंफॉर्मेशन फ्री फ्लो होना चाहिए, एक जगह से दूसरी जगह फ्रीली जाना चाहिए इंफॉर्मेशन, ठीक है. एडिटोरियल वेरियस कॉलम्स एंड सप्लीमेंट आर इनिशियल पार्ट ऑफ न्यूज़पेपर. न्यूज़पेपर में आप देखोगे एडिटोरियल अलग होता है, कॉलम्स अलग होते हैं, एंड सप्लीमेंट्स इनिशियल्स अलग होते हैं. हर एक ब्रैकेट में उनको बताया जाता है, कैटेगराइज कर दिया जाता है. न्यूज़पेपर कैन हेल्प इन मेकिंग द डेमोक्रेसी. उस टाइम के लिए न्यूज़पेपर सबसे पहला डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्गर था, मतलब लोगों तक न्यूज़ पहुंचाने के लिए जितने भी गवर्नमेंट थी वो जितने भी हमारे इंडियन इंडियन जो भी फाइटर्स थे वो
सेक्रीफाई तो किए, बट उनके वो जो चाहते थे इंडिया आजाद हुए, तो लोगों तक न्यूज कैसे पहुंचता? तो एक न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर आपका सबसे बड़ा डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्गर है, ठीक है, सबसे बड़ा रोल निभाया है लोगों तक न्यूज पहुंचाने के लिए। इट वॉज पॉसिबल टू टेलीविजन टू अक्रॉस द इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ न्यूज पेपर एंड द रेडियो एंड शो द एक्चुअल विजुअल ऑफ द इवेंट। लोगों का जो लोगों के आसपास जो भी एक्चुअली हो रहा है उसको टेलीविजन पे शो करना इंपॉर्टेंट, ताकि एक्चुअल में क्या हो रहा है और हमें पता क्या चल रहा है। तो एक्चुअली जब तक लोग आज के टाइम में, अगर मैं आपको आकर के लाइव भी पढ़ा रही हूँ या फिर रिकॉर्डेड दे रही हूँ, तो आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, कि अगर कोई भी गड़बड़ होती है या फिर अगर मैं कुछ गलत बता रही हूँ तो दैट इज, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ उसके लिए। तो मुझे उसके उसके लिए पहले इंफॉर्मेशन गैदर्ड करके आना पड़ता है, मैं कुछ भी आकर यहाँ नहीं बोल सकती। तो पहले भी ऐसे हुआ होगा, तो टेलीविजन इसलिए आया था कि लाइव चैनल्स अपने लाइव जो भी हो रहे हैं आसपास इंफॉर्मेशन, जो भी चीजें हो रही है उसे लाइवली टेलीकास्ट ब्रॉडकास्ट कर सके। चलो तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आता है, न्यूज़पेपर बिगनिंग कब हुआ था? आफ्टर अराइवल ऑफ ब्रिटिश, आफ्टर अराइवल ऑफ पोर्टुगीज, आफ्टर अराइवल ऑफ जर्मन टू इंडिया। आपका इस आपको इसका आंसर देना है कमेंट बॉक्स से, कमेंट बॉक्स में तो देना है। लाइक आप कमेंट बॉक्स में क्यों दो, ताकि बच्चे जो भी एक नए आए वो जब देखे तो उनको पता चले कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछा गया और मेरे फ्रेंड्स इसके आंसर दिए, ताकि वो भी आंसर दे सके। और कमेंट देखो, लाइव चैट में तुम लोग आंसर देते हो, ठीक है, जैसे ये वीडियो प्रीमियर होगा आंसर तुम लोग दोगे, बट कमेंट में भी जरूर देना, ताकि बाद में मैं देख सकूं, क्योंकि जिस टाइम में तुम्हारा वीडियो प्रीमियर होता है उस टाइम में मेरे भी क्लासेस चलते रहते हैं, मैं भी आपके बाद में कमेंट्स देखती हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ISBS वॉज रिनेम्ड एज, ISBS को रिनेम्ड किसमें किया गया था? NIR या फिर IBC या फिर AIR किसमें किया गया था? इसका आंसर आपको कमेंट में जरूर देना है बच्चे लोग। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है दैट इज, अभी तक हमने इंट्रोडक्शन देखा, उसके बाद हमने हिस्ट्री देखा, फिर हमने देखा व्हाई क्यों पढ़ना चाहिए, तीन टॉपिक हमने देखा है अभी तक। हमारा जो फोर्थ टॉपिक है दैट इज क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग टू द इंफॉर्मेशन रिसीव थ्रू द मास मीडिया। क्या है क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग है, मतलब लोग अंडरस्टैंड कैसे होते हैं इंफॉर्मेशन जो भी रिसीव्ड होता है थ्रू द मास मीडिया। तो मास मीडिया में पता है कि भाई कोई भी कहीं पे बैठा रहे सबको न्यूज पहुंच जाती है। एनी इंफॉर्मेशन रिसीव थ्रू द मास मीडिया नीड टू बी रिव्यूड क्रिटिकली, मतलब कोई भी अगर हमें इंफॉर्मेशन रिसीव होता है तो पहले हम उसे एग्जामिन करना चाहिए, मतलब अच्छे से देखना चाहिए। द न्यूज़पेपर और द इंफॉर्मेशन इन द मीडिया मे नॉट ऑलवेज रिप्रेजेंट ट्रूथ। हमेशा जरूरी नहीं है क्या कि जो न्यूज़पेपर आ रहा है, जो हमारे न्यूज़ हमारे पास पहुंच रहे वो हमेशा सच्ची हो। आप देखते होंगे व्हाट्सएप पे आपके बार 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 कुछ भी न्यूज आता है, ओ एग्जाम पोस्टपोन हो गया, अरे भले किसी ने बताया ना हो, ठीक है, बोर्ड कमिटी ने नहीं बताया हो कि एग्जाम अभी होगा या नहीं होगा। पहले आप देखते होते 2020 में जब कोविड टाइम था, उस टाइम एग्जाम कैंसिल होगा नहीं होगा, कोई भी फेक न्यूज आ जाता था, तो वो एक आप ये नहीं कर सकते कि भाई पूरा ट्रस्ट दिखा सकते हो। बट हाँ, जहाँ पे आपके नंबर ऑफ रेशियो ज्यादा आपको दिखाई दे कि हाँ इन्फॉर्मेशन सही लग रहा है, दैट इज बिल्कुल परफेक्ट। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, दिस स्टिल ए जर्मन वीकली मैगजीन हैज बीन purchased a number of so-called handwriting diaries of the Adolf Hitler. It was sold to the various publication companies later. Those diary was proved to be fraud. क्या हुआ था? एक स्टन, ठीक है, स्टन एक मैगजीन था, जिसे जर्मन में किसी ने हैंड राइटिंग में एक किसी का डायरी था, ठीक है, एक स्टन एक मैगजीन बाद में आया, पहले ये किसी का एक डायरी था, उसे डिफरेंट डिफरेंट पब्लिकेशन में भेजा गया। एक किसी के पास आया, किसी ने इसकी कहानी, वो डायरी को देख करके कहानी का मतलब कुछ और निकाल लिया, बी पर्सन के पास गया तो उसने इस कहानी का मतलब कुछ और निकाल लिया। बाद में पता चला कि ये जो मैगजीन जो आ रहा है, ये जो स्टर्न मैगजीन है, जो एक किसी ने पहली बार बनाया और किसी का डायरी देख करके, और बाद में बहुत सारे लोगों ने इसे पब्लिश कर दिया, बहुत सारी कम्युनिटी में कंपनीज ने पब्लिश कर दिया इस न्यूज को, वो फ्रॉड था। वो क्या था? फ्रॉड था ऐसा। और वो कहानी, वो जो डायरीज थी, हैंड राइटिंग डायरीज, वो किसकी थी? एडोल्फ हिटलर की थी, एडोल्फ हिटलर की थी।
नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है मास मीडिया एंड द प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज। ये हमारा लास्ट टॉपिक है। चलो, न्यूज़पेपर, हमारे मास मीडिया में प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज लोगों को क्या क्या होते हैं, पब्लिक को क्या क्या होती है, वो हम देखेंगे। न्यूज़पेपर हैव टू फुलफिल दी टास्क ऑफ प्रोवाइडिंग फ्रेश न्यूज टू दी रीडर। एक रीडर, आज जैसे मैं न्यूज़पेपर पढ़ रही हूँ तो मेरे पास न्यूज़ फ्रेश पहुंचना चाहिए, ऐसा एक एडिटोरियल, ऐसा एक न्यूज़पेपर, ऐसा एक न्यूज़पेपर की टीम के पास, ऐसा उनके पास एक होता है कि यस, लोगों तक फ्रेश न्यूज़ पहुंचाना है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट इज तो डेली न्यूज़पेपर जिसका नाम रखा गया। वाइल्ड रिपोर्टिंग न्यू डिटेल्स रिपोर्टर्स ट्राई टू कंपेयर इट विद पैरेलल इवेंट्स व्हिच हैपेंड इन द पास्ट एंड पास्ट इवेंट मे बी प्रिंटेड इन द सेपरेट फ्रेम। हमेशा जब भी कोई भी न्यूज़ आती है तो आप देखते होंगे क्या कि पहले वो न्यूज़ को हिस्ट्री उसका बताया जाता, पहले वो न्यूज़ को थोड़ा सा उसका कंटेंट बता दिया जाता है कि ये न्यूज़पेपर में क्या बताया, इस न्यूज़ में क्या है, उसके बाद उसको थोड़ा उसकी हिस्ट्री के साथ रिलेट किया जाता है, फिर उसका जो हिस्ट्री है उसको भी कहीं पे अच्छे से बताया जाता है कि यस ये ऐसा सेपरेट से बताया जाता है, ये ऐसा हुआ था। सो मास मीडिया का ये काम है, मास मीडिया को आपके फ्रेश न्यूज़ पहुंचाने हैं, आपके न्यूज़पेपर्स जो भी न्यूज़ है उसे रिलेट करके पहुंचाना है पैरेलली। नेक्स्ट इज न्यूज़पेपर प्रिंट्स कॉलम्स अबाउट हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन अपेयरिंग रीडिंग सच एट द 50 ईयर्स अगो और द 100 ईयर्स अगो। अगर हम कोई भी हेडलाइन पढ़ रहे हो वो रिलेटेबल है हमारे हिस्ट्री इंफॉर्मेशन से तो वहां पे उनको मैंडेटरी है लिखना कि यस ये कितने साल पहले था तो सही बट कितने साल पहले था, 50 ईयर्स अगो, 100 ईयर्स अगो, 25 ईयर्स अगो, कब था, वो मेंशन करना इम्पॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं जरा सा हिस्ट्री के प्रोफेशंस, दैट इज एडिटोरियल हो गए, आर्टिकल्स हो गए, ऑन दिस डे इन हिस्ट्री, रिव्यूज एंड ऑल्सो न्यूज़ेस, आपके कॉलम्स, ये सारे आपके न्यूज़पेपर्स के क्या है बच्चा पार्टी, न्यूज़पेपर में ये मास मीडिया में ये होनी चाहिए, मास मीडिया में ये सारी चीजें होनी चाहिए। चलो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज। इसमें क्या क्या है, एक कोई भी रिपोर्टर बन सकता है न्यूज चैनल्स पे, रेडियो जॉकी, रेडियो में जो भी आप देखते होंगे वो रेडियो हर चीज होते हैं वो सब, एंड ऑल्सो न्यूज पेपर कम्युनिस्ट, एक न्यूज पेपर जो प्रिंट करवाता है, जो आइडिया लेकर के आता है, जो लिखता है एडिटोरियल, एक जो लिखता है वो भी आपके प्रिंट जो करवाता है, इंफॉर्मेशन गैदर करता है, वो भी आपके न्यूज पेपर कम्युनिस्ट में आते हैं। तो ये कुछ प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज है जो आपके मास मीडिया में है। आकाशवाणी इन्वाइटेड दी, आप यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे ये सारी चीजें हैं, रामायण महाभारत एंड एक भारत एक खोज, राजा छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में, ये सारी चीजें आप देखोगे कि आकाशवाणी पे पहले के टाइम में क्या होती थी, रिलीज की जाती थी। ऑल्सो आप देखोगे 2020 में जब कोविड का टाइम था तो डीडी चैनल पे आते थे, हाँ क्या, ऑल्सो स्टार प्लस पे भी आई थिंक आता था, रामायण महाभारत को शुरू किया गया था क्योंकि उस टाइम में कोई भी लाइव टेलीकास्ट नहीं होता था, सिर्फ न्यूज होता था, ठीक है, और कोई भी शोज नहीं होते थे तो रामायण महाभारत को भी किया जाता था। यहाँ तक आप ऑल्सो आप देख सकते हो करंट चैनल्स जो भी है, डिस्कवरी, नेशनल ज्योग्राफिक, हिस्ट्री, ये सब आपका एक चैनल्स है और यहाँ पे आपके ज्योग्राफिकल के बारे में, ग्लोबली हिस्ट्री के बारे में बताया जाता है। ऑल्सो इट हैज इनेबल द पीपल टू रिव्यू द हिस्टोरिकल एंड द ज्योग्राफिक वंडर एट होम, एंड ऑल्सो द ग्रेट इंटरेस्ट ऑफ पीपल आर देयर इन द मॉन्यूमेंट्स, जो भी एक मॉन्यूमेंट्स के बारे में दिखाता होगा, फोर्ट्स के बारे में, हिस्टोरिकल प्लेट्स, एम्पायर के बारे में, तो एक लोगों का इंटरेस्ट आता है कि पहले ऐसा हुआ करता था, आज हम ऐसे बैठ के, कभी आप देखते होगे चैनल पे दिखा, ओ ये एक ऐसा गुफा है, यहाँ पे ये हुआ करता था, तो आप अरे वो हुआ करता था, पास था ये, तो ये आपको कैसे पता चला, मास मीडिया के थ्रू ही पता चला, एक न्यूज के थ्रू आपको पता चला। तो यहाँ पे आपके फाइनली आते हैं क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट में देना है। डैश प्रोग्रामर्स आर ब्रॉडकास्ट इन दी 24 रीजनल लैंग्वेजेस एंड 146 डायलेक्ट्स ऑफ इंडिया आकाशवाणी विविध भारती प्रोग्राम्स एंड ऑल इंडिया रेडियो, इसका आंसर आपको कमेंट में पहले पहले बच्चों देना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश प्रोग्रामर्स आर द ब्रॉडकास्ट इन द 24 रीजनल लैंग्वेजेस इन एंड 146 डेलीगेट्स, ये आपका हो गया क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑन द डैश कलर टेलीविजन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया 15 अगस्त 1945, 15 अगस्त 1982, 15 अगस्त 1992। कब आया था आपका इन कलर टेलीविजन इंडिया में? रंगीन टीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दीन बंधु फाउंडर डैश कृष्ण राव बालेकर या फिर गोपाल गणेश अगरकर बाल गंधर तिलक। इसके सारे के आंसर आपको कहाँ पे देने? कमेंट बॉक्स में देने हैं। आई रियली होप सो आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। और यहाँ पे मुझे लगता है टर्म वन का आपका यहाँ पे सिलेबस कंप्लीट हो चुका है हिस्ट्री का। कमेंट में जरूर बताना कि आपके पॉलिटिकल साइंस जो मैंने पूछा था आपको कि पॉलिटिकल साइंस में चैप्टर नंबर 3 है या नहीं है, आप कमेंट में मुझे बता देना। अगर वो रहेगा तो हम जल्दी उसे कंप्लीट कर लेंगे। बाकी तो आपका ज्योग्राफी का नेचुरल वेजिटेशन वो भी अगर होगा तो वो भी कर लेंगे, ठीक है? वो हम नेक्स्ट में कर लेंगे। तो यहाँ पे होता है आपका हिस्ट्री का कंप्लीट टर्म वन। आंसर्स इसके सारे आपको कमेंट में देने हैं। एंड अगर वीडियो पसंद आया हो, लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना कैसा लगा, और आंसर जरूर देना, ठीक है? थैंक यू।